मैं आपको अपने सारे वीडियोस में बताती हूँ कि मैं प्रोफेशनल गार्डनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ हॉबी के लिए गार्डनिंग करती हूँ और अब ये हॉबी पैशन में कन्वर्ट हो गई है। जब मैं लोगों के यहाँ बोगनवेलिया देखती थी या मैं नर्सरी में जाकर देखती थी तो उनके बोगनवेलिया पर बहुत सारे फ्लावर्स होते थे और मेरे बोगनवेलिया पर होते थे बहुत सारे पत्ते। बहुत चीज़ें ट्राई करती थी, कभी चाय की पत्ती की खाद डालती थी, कभी अनियन पील फर्टिलाइज़र डालती थी, लेकिन कभी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते थे। फिर मैंने बहुत रिसर्च करी और धीरे धीरे अपने नॉलेज को बढ़ाया और मैंने जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं जर्नी आपके साथ अपने यूट्यूब वीडियोस में शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये यूट्यूब वीडियोस आपके लिए भी उतनी ही हेल्पफुल रहेंगी और आप मेरी वीडियोस को उसी तरह एंजॉय करते होंगे जिस तरह मुझे इन्हें बनाने में मज़ा आता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो एक लाइक दबाकर और सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने बोगनवेलिया पर ढेरों फूल पा सकते हैं जैसे मेरे बोगनवेलिया पर आ रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस के साथ मैंने धीरे धीरे नॉलेज के साथ अब गेन किया है, किसी ने मुझे नहीं बताया है, बहुत चीज़ें ट्राई करी हैं और अब फाइनली रिजल्ट्स मेरे सामने हैं। ये देखिए मेरा बोगनवेलिया कितने सारे फूलों से भर गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। आज की एक जो वीडियो है एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास बोगनवेलिया है तो आप उसमें कैसे बहुत ज़्यादा फूल पा सकते हैं। बोगनवेलिया की खूबसूरती उसके फूलों से ही होती है। तो ये देखिए मेरा छोटा सा बोगनवेलिया का प्लांट है और उस पर कितने सारे फ्लावर्स आते हैं। कई बार तो मैंने देखा कि कुछ बोगनवेलियास के ऊपर ना पत्ते नहीं होते, सिर्फ फूल ही फूल होते हैं। तो मैं सोचती थी कि ये कैसे होता है। तो मैंने जो ट्राई किया है, कई एक्सपीरियंस किए हैं, देखिए मैं आपको अपना ये जो फ्लावर है ये दिखाती हूँ। ये देखिए कितना छोटा सा प्लांट है और इस पर कितने सारे फ्लावर्स हैं। लीव्स कम हैं और फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए मैंने ऐसा इसमें क्या डाला है वो मैंने आज आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो इन्ग्रीडियंट है आप ये अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में भी डाल सकते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर्स देता है। लेकिन आज की बात हम स्पेशली बोगनवेलिया के बारे में कर रहे हैं क्योंकि बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है जो सारा साल आपके साथ रहेगा और इसकी खूबसूरती इसके फूलों से है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये समर्स में फ्लावर देता है, ये विंटर में भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करता है, बस थोड़ी केयर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है DAP। जी हाँ, ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है जो आपको किसी भी अपने नियर बाय फर्टिलाइज़र शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। डाई अमोनियम फॉस्फेट के नाम से इसे जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में DAP बोलते हैं। इसमें जो फॉस्फोरस की अमाउंट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की थोड़ी कम होती है। जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारे जो फोलियज प्लांट्स हैं उनके लिए अच्छा होता है, जो फॉस्फोरस जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स के लिए अच्छा होता है। अब ये देखिए जैसे मेरा छोटा सा पॉट है, इसकी जहाँ रिम है यहाँ पर हमारी जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादातर यहाँ होती हैं और किसी भी फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करने में सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है रूट्स का। तो जो इसकी ब्रिम है आपके पॉट की, हमेशा आपको यहाँ पर अपना फर्टिलाइज़र देना है। अब जैसे ये छोटा पॉट था तो इसमें आप 4-5 जो है दाने वो डाल दीजिए। अब ये मेरा बड़ा पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें जैसे ये पॉट बड़ा है तो इसमें मैंने 8-10 दाने डाले थे और ये मैंने 15 दिन पहले डाले थे। DAP कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ये धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होगा, बहुत टाइम लगता है इसे एब्जॉर्ब करने में, इसलिए आप इसको ऐसे ही डाल दीजिए। और DAP डालने का सही, देखिए इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, अब भी आपको DAP के कुछ दाने दिखाई दे रहे होंगे जो अभी डिजॉल्व नहीं हुए हैं। DAP डालने के सही टाइम होता है वो शाम के टाइम होता है और शाम के बाद आप इसमें पानी दे दीजिए, धीरे धीरे ये मिट्टी में घुलता रहेगा, आपकी रूट्स इसको एब्जॉर्ब करती रहेंगी। और यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है मेरे सारे बोगनवेलिया में, अभी नए फ्लावर्स भी आने लग गए हैं बहुत जगह। तो इस तरह ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। फॉस्फोरस का जो काम होता है वो होता है कि आपके फ्लावरिंग को बूस्ट करने का, तो जिससे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आपको मिलेंगे आपके बोगनवेलिया में। ये टिप आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए इस टिप ने कितना काम किया, क्योंकि मेरे सामने तो मेरे को तो ये बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रही है। देखिए कितना खूबसूरत हो गया मेरा बोगनवेलिया का प्लांट। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या आप DAP डालकर कैसे अपने बोगनवेलिया पर ढेरों फूल पा सकते हैं। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस टिप को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा और आपको जो रिजल्ट मिले वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और व्लॉग के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर कुछ और नया आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।